पर मेरे सर में 15 टांके लगे हैं और हमारे पिताजी को कुल्हाड़ी से मारा गया है। पिताजी और हमारी पत्नी को जिला रिफर किया। प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों के दबाव पर प्रशासन सेम धारा में मुकदमा लिख रही है। ऐसी जाति संदेश में तमाम बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ इस प्रकार की घटना घटी है। यदि इसका विरोध नहीं करते हैं आप लोग, इस लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, लिखी गई और मैं जेल भेजा गया, तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे तमाम समाज के शोषित वंचित दलित और मजदूर कहां सुरक्षित रह पाएंगे। साथ नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप सब देख रहे हैं एमएल लाइव। अभी से प्रतापगढ़ के रायपुर चौराहे पे हैं और अभी वीरेंद्र कुमार और वीरूपासी जो कि बहुजन सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बहुजन के समाज में जाके लगातार जागृति का कार्यक्रम कर रहे थे, इनके साथ घटना हो गई है। क्या हुआ है गरना सर, इसके बारे में कुछ बताइए। सुबह हम सो रहे थे तभी दो लोग आए और हमारे पिताजी से घर के समक्ष आकर बातचीत करने लगे। इस बात को देखकर हम जल्दी जल्दी से घर से निकले और आए बाहर और पूछे कि काहे तुम लोग बाहर कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। ये बात कहते हुए जैसे ही हमने कहा, तब तक हमने देखा पीछे से कुछ लोग आए जिनके हाथ में लोहे के राड थे, लाठी डंडा थे, कुल्हाड़ी थी, वह लोग मारना चालू कर दिए और हम उसी समय गिर गए। गिरने के बाद जो है हमारे पिताजी को जो है काफी गंभीर चोट आई है। हमारे सर में 15 टांके लगे हैं और पिताजी को कुल्हाड़ी से एक घाव मारा गया जिसमें काफी गंभीर चोट है और पत्नी को भी जिला अस्पताल के लिए और पिताजी को रिफर किया गया है। माताजी को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। तो साथियों, इस प्रकार से जो अमानवीय व्यवहार किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आज के समय में सरकार और सत्ता के इशारे पर ऐसा जो है शोषित पीड़ित वंचितों के साथ ऐसा किया जा रहा है। साथियों, मैं एक सामाजिक वर्कर हूँ, सोशल वर्कर हूँ, लगातार जनपद प्रतापगढ़ ही नहीं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों की मदद करने का काम करता हूँ, लोगों के लिए लड़ता हूँ और मेरे जैसे एक ऐसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं तो निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मजदूर तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेवस और लाचार लोग हैं, उन लोगों के साथ एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता होगा। साथियों, इस बात की जानकारी होने पर चौकी इंचार्ज महोदय आए और जो है इसमें दो दिन पहले अभी 151 में चलान किया गया था, उस दिन हम चौकी प्रभारी महोदय से कह रहे थे इस मामले में FIR दर्ज कर दीजिए, नहीं ये लोग मनगढ़ंत गुंडे टाइप के लोग हैं, हमारे साथ मारपीट कर सकते हैं। चौकी प्रभारी ने 151 में दोनों लोगों का चलान किया था, शायद दो दिन पहले यही FIR दर्ज कर दिया गया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना आज घटित नहीं होती। और आज जो लोग भी हमारे ऊपर हमला किए थे, सिर्फ चोट पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उनकी पूरी तरीके से मंशा थी कि हमारी हत्या की जाए, क्योंकि साथियों आज के जो घाव है, हम जैसे एक साहसी व्यक्ति इन तमाम क्रांतिकारी साथियों को देखकर एक बोलने के लिए हौसला जो है पैदा हो रहा है, बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे सर में 15 टांके लगे हैं, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे पिताजी और मेरी वाइफ को जिला अस्पताल के लिए रिफर किया गया है, जैसा कि अभी हमने बताया आप लोगों को। सर, ये बताइए कि ये जो घटना हुई इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं, कौन से लोग हैं, क्या अभी तक पहचान हो पाई इनसे? इसके पीछे है, पहली बात तो वो लोग पड़ोसी हैं और हम एससी समाज से हैं, पासी जाति से हैं और वो लोग ठाकुर जाति से हैं, कहीं न कहीं जातीय मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। और ये आज का हमारा कार्यक्रम था, कहीं इसके भी पीछे कुछ लोगों का हाथ था। इसके पीछे जो हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, हत्या करने की प्लानिंग हुई, इसके पीछे और भी साजिशें हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अभी योगी जी की सरकार है, इस सरकार में कहा जाता है कि जो गुंडे मवाली हैं बिल्कुल घर के अंदर घुस गए हैं, वो बिल्कुल ऐसा कोई माहौल नहीं है कि लोगों के ऊपर अत्याचार हो पाए, किस तरीके से देख रहे हैं? घुस गए हैं, लेकिन जो उनके लोग अपराध करने वाले, अन्याय करने वाले लोग हैं, उनके जो फालतू गुंडे हैं, उनके समाज के गुंडे हैं, वो घरों में नहीं घुसे हैं। हमारे समाज के एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों पर यदि एक भी मुकदमा है तो उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन उनके समाज के लोग यही जब अपराध कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और लोगों के साथ चोरी और छिनैती कर रहे हैं, तो उनके लिए कानून नहीं है, सिर्फ एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून ये लागू है, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए यहाँ बुलडोजर बनाई गई है। साथियों, जैसा कि अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ जो बुलडोजर चल रही है सिर्फ एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लिए बुलडोजर है,
सामान्य वर्ग के लोग यहीं पर लोगों के साथ अन्याय अत्याचार अपराध कर रहे हैं तो उनके लिए बुलडोजर रही है। मैं आज की घटना को मैं बताना चाहता हूं, जहां पर मेरे सर में 15 टांके लगे हैं और हमारे पिताजी को कुल्हाड़ी से मारा गया है, पिताजी और हमारी पत्नी को जिला रिफर किया गया है, हमारी माता जी को भी चोट आई है। वहीं पर जहां मुझे जानकारी मिल रही है, यहां का जो है शासन में बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों के दबाव पर प्रशासन सेम धारा में मुकदमा लिख रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और यदि इस प्रकार से मुकदमा लिखा जाता है सेम धारा में मुकदमा, तो इसके लिए हम लोग प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये संदेश मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ इस प्रकार की घटना घटी है। यदि इसका विरोध नहीं करते हैं आप लोग, इस लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब हम जैसे एक साहसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई है, जो कि जनपद प्रतापगढ़ ही नहीं उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जब भी किसी एससी ओबीसी माइनॉरिटी एवं दबे कुचले शोषित पीड़ित व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार अपराध होता है, मैं पहुंचकर न्याय दिलाने के लिए अपना खून और पसीना एक कर देता हूं। साथियों, यदि इस मामले में सेम धारा में मुकदमा लिखी गई और मैं जेल भेजा गया, तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे तमाम समाज के शोषित पीड़ित वंचित दलित और मजदूर कहां सुरक्षित रह पाएंगे। साथियों, इसलिए साथियों इसका हमें मुंहतोड़ विरोध करना है। अभी और भी साथी इनसे बात की, सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिराम बौद्ध है। सर, ये जो घटना हुई वीरू जी के साथ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ही कहना चाहेंगे, शासन प्रशासन जो है जो गलत काम कर रही है उसको ध्यान देना चाहिए। कहती तो दावा तो करती है कि हम गुंडों को जेल भर देंगे, लेकिन उनके लोग जो है गुंडे बनकर हम लोगों को सता रहे हैं। अभी हमारे साथ बौद्धाचार्य जी भी है, सर क्या कहना चाहेंगे इस घटना को देखते हुए? मैं भंते शांति मित्र, राष्ट्रीय धर्म प्रचारक, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। मेरे द्वारा पूरे देश में भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार और प्रसार लगातार किया जा रहा है, और मैं आज इस घटना से इतना दुखी हुआ कि वीरेंद्र कुमार वीरूपासी जी लगातार समाज के लिए निरंतर लोगों को जागृत करते थे और उनके ऊपर ऐसा जातीय से ग्रसित हिंसा हुई, हमला हुआ, इसका मैं घोर निंदा करता हूं और दोषियों को बहुत सख्त से सख्त कार्यवाही हो और इनको पूरी तरह से न्याय मिले। अभी और भी क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो लड़ाई हुई है इनके साथ, इनको न्याय मिलने वाला है? यहाँ पे क्या है, प्रतापगढ़ में बहुत ज्यादा अपराध है जो है, यहाँ पे जो है खाली जितने बड़े लोग माफिया हैं, सरकार भी और सत्ता भी, थाना प्रशासन सब उन्हीं की सुनता है, गरीब आदमी कोई सुनने वाला नहीं है। और वीरू भैया ऐसे हैं कि समाज में बेचारे हर जगह पहुंचते हैं जहां कोई दुख तकलीफ होता है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि मतलब इनको। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुजनों का एक लीडर तैयार हो, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमला किया गया? जी जी जी। तो आपको बता दें कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुजन समाज का जैसे भी कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए आगे आता है, उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए सक्रिय रहे, जागरूक रहे, शिक्षित रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, आप बने रहिए मेरे लाइक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।